मजा आने वाला है इस संडे राइड पे, क्योंकि अपने साथ जा रही है अपनी एंटॉक एक्सट्री जा रही है वहाँ, और सारे आ चुके हैं यहाँ पे, और विक्रम भाई आए हैं अपनी मॉन्स्टर पे, और साइज 130 और लग जाए एनएस रेस। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर नेशन। सो गाइस आज एक नए दिन के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी संडे राइड की, और भाई सामने सनराइज हो रहा है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दिख भी रहा होगा आपको जितना भी है, मतलब थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, और बाकी भाई फुल मजा आने वाला है इस संडे राइड पे, क्योंकि अपने साथ जा रही है अपनी एंटॉक एक्सट्री जा रही है भाई, और वो चला रहे हैं ललित भाई, तो खूब मजा आने वाला है भाई। मतलब अपनी निंजा 300 भी जा रही है और अपनी एक्सटी भी जा रही है भाई, साथ में दोनों, और मेरे साथ है एक पिलियन जो कि अपनी फ्रेंड जो कि है दीपा, वो बैठी हुई है पीछे, तो उस वजह से हमें भाई एक एंटॉक मतलब एक एंटॉक एक्सटी ले आनी पड़ी, क्योंकि ललित भाई कहाँ बैठते और ललित भाई का भी मन था, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अपने पास सॉल्यूशन है, अपने पास दो बाइक्स हैं, एक अपनी एक्सटी है और एक अपनी निंजा है, तो दोनों को ले आते भाई राइड पे और फुल धमाल करेंगे, और चला के भाई उनको ही मज़ा आ जाएगा एंटॉक एक्सटी अपनी, और अपनी बाइक तो आपको पता है भाई फुल मक्खन भागती है। तो अभी सीधे चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं कूड़े के पहाड़ के साइड, लाइक GT करनाल रोड, और राइड है जो अपनी होने वाली है भाई, वो होने वाली है एक ढाबा है जो कि मुरथल से थोड़ा पहले ही पड़ता है, और बाकी चल रहे हैं भाई फुल थ्रोटल खींचते हुए, और मिलते हैं आपको मीटिंग पॉइंट पे। हो गए थे थोड़े बहुत, और सारे आ चुके हैं यहाँ पे, और विक्रम भाई आए हैं अपनी मॉन्स्टर पे, और सारे लोग आए हैं, ललित पीछे है, ललित ललित को भी ले लिया भाई, और साथ में आई है गोकू जिसने मेरी पिछली वीडियो में कर दिया था भाई बढ़िया, और ये रही गोकू, रैप दिखा देता हूँ एक बार ये दो, और एग्जॉस्ट भाई लगा हुआ है फुल खतरनाक, दो दो NS खड़ी हुई है सामने, हो जाए रेस, हो जाए रेस, हो जाए रेस, बबलिंग करने लग जाती है पुरानी गाड़ियों का यही है कि थोड़ी बहुत बबलिंग करने लग जाती है, थोड़ा भगाते हैं, पीछे आ रही है MT, हाँ भाई फुल क्लच का काम करा के आया लग रहा है राहुल भाई, ये चल रहे अपने नितिन भाई, भाई राइड में जब तक मज़ा नहीं आता, जब तक थोड़ी सी स्पीड ना हो मेरे को ऐसा लगता है, और बाकी भाई आराम से चलाएंगे, आराम से चलाएंगे, फिर आराम आराम से भाई अपने जो लोकेशन रहती है लाइक जो भी अपनी डेस्टिनेशन रहती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और हमेशा जो भी होता है ना भाई जो मज़ा रास्ते का होता है वो डेस्टिनेशन में पहुँच के नहीं मिलता, ऐसा सीन होता है। ओहो बच्चे खड़े हुए थे भाई, मतलब यहीं खड़े हो जाते हैं आके सुबह से कि बाइक निकलेगी तो देखेंगे, और भाई फुल मज़ा आ रहा है राइड पे, और फुल सेफ्टी के संग चला रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि 126 127 128 130 और लग जाए NS से रेस, आ जाओ बबलिंग कर रही है, बबलिंग विक्रम भाई कह रहे हैं बबलिंग कर रही, मैं नहीं कर रहा रेस, अब दूसरी इसको पकड़ते हैं NS को, ये वाली गोकू को ये तो भगा लेंगे भाई मेरे साथ, इन्होंने पहले ही भगाई है, 106 109 100 की रेंज, मतलब 120 तो इसके लिए आम बात है, ओहो आगे नहीं निकल जाएंगे, आगे
बस ये है कि रोड छोटा कर रखा है क्योंकि किसान विसान वाला सीन हो रखा है ना, इसलिए शायद। जो कितने सारे वो पड़े हुए हैं भाई, पुलिस के जो भी कहते हैं बैरिकेड। क्योंकि पहले क्या था, पहले हमें नीचे से उतारते थे, लाइक जो भी है सर्विस लेन वहाँ से उतारते थे। अब बॉर्डर खोला भी है, लाइक बॉर्डर तो नहीं, लाइक हाईवे खोला भी है, तो इन्होंने लिमिटेड खोला है, लाइक एक ही लेन जो है ना, जैसे कि चार लेन है तो दो ही लेन के लिए। और बाकी भाई मज़ा आ रहा है राइड पे। जो ढाबा है भाई, रुक जा भाई स्कोडा वाला, हमारा जो ढाबा है वो है पहलवान ढाबा। इसमें हम पहले भी गए। चलो भाई पार्किंग में लगा देते हैं। 2 hours later, निकल चुके अपने ढाबे के बाहर। और ढाबे भाई खाया डोसा, डोसा का टेस्ट मतलब ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। और बाकी अभी यहाँ पे हम चल रहे हैं भाई घर, और हमारे संग है NS 200, एक है एंटॉक, और एक एंटॉक रेस एडिशन है, और एक है अपनी XT। हमें जल्दी हो रहा था इसलिए हम निकल चुके हैं चार लोग, और बाकी अभी भी वो वहीं पे हैं, लाइक जितने भी हैं सारे बंदे, तो वो आते रहेंगे धीरे धीरे। और अपना धूप भी भाई तेज हो जाती है, फिर हमने सोचा हम जल्दी ही निकल जाते हैं। तो आज का जो राइड थी भाई काफ़ी मज़ा आया, फुल खींची, और आज भाई बाइक ज़्यादा थी। लाइक अब क्या हो रहा है ना, दिन ब दिन जो बाइक्स हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं। और अभी एक बंदा जो भी XT चला रहे हैं ना, एंटॉक XT चला रहे हैं, एंटॉक चला रहे हैं राहुल भाई, वो R15 लेने जा रहे हैं V3, तो ये भी अच्छी बात होगी। थोड़ा बहुत लेट हो गए यहाँ क्योंकि हमें एक और जगह भी जाना है, तो इस ब्लॉग करते हैं यही पैंट आई हो। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।